तो फ्रेंड्स, अगर आपके YouTube चैनल है और YouTube में भी आप हो, कई सारे लोग होते हैं कि YouTube में उनके चैनल नहीं होता है लेकिन उनके पास भी वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट कर देते हो, नीचे कमेंट कर देते हो, तो आपके एक चैनल क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन मिल जाते हैं और उसके साथ आपको वहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस वाले सेक्शन पर, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ एक कैमरा वाली बटन था और वहाँ पर ही वीडियो लाइव जाने की फीचर मिलता था, लेकिन अभी लाइव जाने की फीचर थोड़ा चेंज हो चुका है, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। तो चलिए, YouTube के अंदर कैसे लाइव जाते हैं और उसके क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ विपुल आदव टेक, एंड मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो YouTube में पहले से ही, जब 2016 में मैं पहले ही स्मार्टफोन लिया था, तभी मैंने ट्राई किया था YouTube में लाइव जाने के लिए। तभी YouTube में लाइव तो ऐसे डायरेक्ट चल जाते थे, आपके पास सब्सक्राइबर हो, कोई क्राइटेरिया नहीं था इतना ज़्यादा लंबी। लेकिन जब YouTube ने आसमान छुआ तो अभी वो क्राइटेरिया के और ध्यान देना शुरू कर दिया। तो YouTube में इसके बाद क्या होता है कि YouTube पहले ही अपने जो क्राइटेरिया है लाइव जाने की, वो उसको चेंज कर देता है। YouTube 1000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ही ऑप्शन देता है फ़ोन से लाइव जाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो YouTube में लाइव जाना, तो आप अपने PC से जा सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर से जा सकते हो, लैपटॉप की वेबकैम से जा सकते हो, और वहाँ पर आपको OBS सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसके मदद से आप जा सकते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि अगर आपके YouTube चैनल पर 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो आप अभी अपने स्मार्टफोन को मदद से लाइव जा सकते हो। वीडियो को बनाना, एडिटिंग करना, उसके बाद अपलोड करना, ये एक पैशन होता है, लेकिन लाइव हर कोई जा सकता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव पे एग्जांपल ले सकते हो। यूट्यूब में ऐसे किचकिच नहीं होना चाहिए, तभी जाके यूट्यूब ने ऐसे डिसीजन लिया था। लेकिन शायद उनके जो यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे फीचर ला के आ गया कि 50 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लाइव जा सकते हो। तो इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है, मुझे पसंद है और सारे क्रिएटर्स को शायद पसंद हो। और जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो तो अपने सेटअप लगा के बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, नई फेस हैं, वो उनको एक स्कोप मिलता है लोगों के साथ से जुड़ने के लिए। तो चलिए, वीडियो के अंदर कैसे लाइव जाते हैं यूट्यूब में फ़ोन की मदद से, देखते हैं, सेटिंग पूरा देखते हैं। YouTube में लाइव जाने के लिए आपको YouTube के एप्लीकेशन के अंदर आना होगा और नीचे देख सकते हो प्लस वाली बटन, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको गो लाइव की ऑप्शन मिल जाती है। आप गो लाइव वाली ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसके बाद आप अपने जो लाइव की वीडियो की टाइटल है आप दे दीजिए। इसके बाद आप अगर आप चाहते हो इसे अनलिस्टेड करना तो कर सकते हो, या फिर पब्लिक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कुछ स्पेशल ओकेजन पर, किसी स्पेशल जगह पर हो, तो वहाँ की लोकेशन आप चूज कर सकते हो लोकेशन के बाद में। और इसके बाद आपको जो स्पेशली है कि ऑडियंस जो है आपको सेट करना होता है। अगर आप किड्स के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो यस, इट्स मेड फॉर किड्स के लिए। हमारे कंटेंट किड्स के लिए नहीं है, तो नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स चूज कर लेते हैं। ऑप्शन मिल जाती है नेक्स्ट के लिए। अंदर आपको थंबनेल डालना होता है, आप चाहे तो अपने फोन पे ऐसे डायरेक्ट थंबनेल ले सकते हो, नहीं तो ये कैप्चर होने के बाद आपको ये पेंसिल वाली ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप अपलोड थंबनेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थंबनेल बना के रखा है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको गो लाइव की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के रोटेशन लॉक को ऑफ करना है। अगर इसकी रिवर्स है कि रोटेशन ऑन करने की ऑप्शन है, तो रोटेशन ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको रोटेट स्ट्रीम इन लैंडस्केप, लैंडस्केप मोड में रोटेट कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो पोर्ट्रेट मोड में लाइव जाना, तो पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। हमारी वीडियो जो है अभी लाइव हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आया कैसे लाइव जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं मेरे और एक वीडियो में। अगर ऐसे वीडियो ही आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग विपुल आदव टेक। थैंक यू। Yeah, bring you up. Yeah, come on.